क्या आप जानते हैं कि ल्यूकीमिया यानी कि ब्लड कैंसर बच्चों में होने वाला सबसे कॉमन कैंसर होता है? ये होता क्या है? ब्लड कैंसर हमारे ब्लड में जो WBC होते हैं यानी कि सफ़ेद खून होता है उसका कैंसर होता है। किसी भी कैंसर के सफल इलाज के लिए उसका समय पे पकड़े जाना बहुत ज़रूरी होता है, और इसके लिए ये ज़रूरी है जानना कि उसके लक्षण क्या हैं। तो ल्यूकीमिया यानी कि ब्लड कैंसर के लक्षण क्या होते हैं? कैसे पता लग सकता है कि किसी बच्चे को खून का कैंसर हो सकता है? तो किसी बच्चे को अगर थकावट महसूस होने लगी है खून की कमी के कारण, या फिर वो सफ़ेद पड़ने लगा है जिसका कोई और कारण समझ नहीं आ रहा, या फिर उसको बार बार बुखार आ रहा है जिसका कोई स्पष्ट कारण नहीं है, तो ये कॉमन सिम्टम्स होते हैं, कॉमन लक्षण होते हैं ब्लड कैंसर के। इसके अलावा अगर शरीर की कोई गांठें बड़ी होने लगी हैं, जैसे कि गले की गांठें, या फिर लिवर या फिर स्प्लीन यानी कि जिगर या तिल्ली बड़ा होने लगा है, वो भी ब्लड कैंसर का लक्षण हो सकता है। इसके अलावा किसी भी शरीर के भाग से खून का रिसाव होना, या फिर स्किन पर किसी तरह का लाल रंग के निशान पड़ जाना, ये भी उसके कॉमन सिम्टम होते हैं। एक और कॉमन सिम्टम होता है ब्लड कैंसर का, वो है हड्डियों में या जोड़ों में दर्द होना। सो ये क्यों होता है? क्योंकि खून का कैंसर हमारी हड्डियों के बीच वाले पार्ट से ओरिजिनेट होता है, यानी कि बोन मैरो से। इसीलिए हड्डियों में दर्द होना भी इसका एक कॉमन सिम्टम होता है। तो अगर आप किसी बच्चे को जानते हैं जिसको ये सिम्टम हो रहे हैं आपके आसपास, तो उनको ज़रूर और जल्द से जल्द अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए और अपनी जांच करवानी चाहिए।